भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान के तहत सीकर में बन रहे इंडोर स्टेडियम का आज शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद सुमेधानंद ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र से 60 से अधिक खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा ले चुके हैं। यह इंडोर स्टेडियम 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, जो अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। मंत्री जी और खेल मंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि जब इतने सारे खिलाड़ी हम दे सकते हैं और बास्केटबॉल में तो हमारे यहाँ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पकड़ है, पहचान है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में, एथलेटिक्स में भी हमने बहुत से खिलाड़ी दिए, हमने नौकायन में खिलाड़ी दिया, हमने तैराकी में खिलाड़ी दिया, यानी बिल्कुल ड्राई होते हुए भी हमने अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया कि हमें एक इंडोर स्टेडियम दीजिए, तो उन्होंने मेरी निवेदन को स्वीकार करके सीकर को 4 करोड़ की लागत से बनने वाला इंडोर स्टेडियम दिया, जिसका शिलान्यास आज माननीय अतिथियों के साथ में मिलकर के सबने किया है। आज सीकर जिले को इंडोर स्टेडियम की एक सौगात मिली है माननीय सांसद सुवेदानंद जी सरस्वती साहब के प्रयासों से। केंद्र सरकार ने हमें सीकर को ये सौगात दी है, मैं राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ, सीकर के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।